दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने सेशन 2018-19 यानी जिन्होंने 2018 में डिग्री पार्ट वन, बीएससी पार्ट वन, बीकॉम पार्ट वन, बीए पार्ट वन में एडमिशन कराया और इसी वर्ष 2019 में पार्ट वन का एग्ज़ाम दिया है, उनका रिजल्ट पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी डिग्री पार्ट वन सेशन 2018-19 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट, और यहाँ पर है कि इंटर रोल नंबर स्टूडेंट नेम, यानी यहाँ पर जो है फाइनली आपको रोल नंबर डालना है, आपके एडमिट कार्ड पर होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के पश्चात यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सबमिट का ऑप्शन है, इनको टच करेंगे तो आपका जो है रिजल्ट आपके सामने होगा। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये पहला है कि रोल नंबर और स्टूडेंट, अपना नाम डाल के भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं, यानी आपका एडमिट कार्ड खो गया है तब कैसे चेक करेंगे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए, इनके माध्यम से भी आप अपना डिग्री पार्ट वन का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो फाइनली आप जान चुके हैं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी डिग्री पार्ट वन का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पहुँचना है कैसे, किस प्रकार से यहाँ पर सर्च ऑप्शन तक पहुँचेंगे, तो इस वेबसाइट का जो लिंक है हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उस लिंक पर टच करेंगे तो टच करने के पश्चात आप इस ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए अभी मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, अभी यह लिंक काम कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कि वो सर्वर डाउन हो जाता है तो लिंक को बदल दिया जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट करते हैं तो वह लिंक में इरोर बताता है, इसलिए क्योंकि लिंक को बदल दिया जाता है। तो इसलिए अगर लिंक नहीं बदला जाता है तो इसी लिंक से अभी तक काम होता रहेगा। पूर्णिया यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी न्यूज़ को जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।